कैसे मैं बस वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑफ लवनेस्ट। अब जैसे देख रहे हो मैं हो चुका हूँ रेडी। एंड मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ अपने होम टाउन यमुनानगर में। हम लास्ट वीक आ गए थे यहीं पे। सो अभी हम हो रहे हैं रेडी। किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं, ये चीज़ आपको वैसे थंबनेल देख के पता लग ही जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि घर पे क्या कुछ चल रहा है और आज का दिन जिसके लिए आई गेस सरप्राइज होने वाला है बेसिकली आप लोगों के लिए एक तरह से। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ के बारे में पता है, किस चीज़ के लिए, कितनों को नहीं पता है इसके बारे में। सो आई एम श्योर आप सबको ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगेगा एंड हमें भी अब तो चीज़ बताते हुए अच्छी खुशी होगी। ठीक है, सो अभी आपको दिखाता हूँ घर पर क्या सेटअप चल रहा है। तो अभी सेटअप प्रिपेयर होने लग रहा है, सीमा भी ऑलमोस्ट आने वाली है रेडी होके। सो ये सेटअप किस चीज़ का है, सो आज है हमारा मैटरनिटी और आई कैन से मैटरनिटी क्या पैटर्निटी दोनों ही शूट हो जाएंगे। आज हमारा मैटरनिटी शूट है। यस वी आर प्रेग्नेंट और इट्स ऑलमोस्ट 7 मंथ हो गए हैं आज। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इस चीज़ को। व्हेन आई एम बिकमिंग अ डैड एंड मतलब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, एक नया टैग लग जाएगा मेरे पे सीमा के ऊपर एंड इट्स लाइक क्वाइट एक्साइटिंग इज ऑल्सो। एंड पिछले कुछ काफ़ी टाइम से लाइक 7-8 महीनों से शूट ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम ना तो कहीं घूमने जा पा रहे हैं, सारा दिन घर पे थे इसलिए ना कोई व्लॉगिंग हो रही है। बहुत रेयर मैंने व्लॉगिंग करी है क्योंकि बहुत रेयर मोमेंट्स ऐसे आए हैं कि हम कहीं घूमने गए हैं जहाँ मैं अकेले गया हूँ उसमें सीमा नहीं आपको दिखेगी। क्योंकि एक मतलब आई गेस होता है ना कि स्टार्टिंग में नहीं किसी को बताते, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो हमने भी वो प्रिकॉशन रखे थे कि हम भी नहीं जाते अभी ऐसा सच किसी को पता लगे, सिर्फ घर वालों को ही ये चीज़ बता दी। और इस वजह से मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट शादी मिस करी थी जो थी मोजो की शादी। आई एम श्योर आपने दक्ष का व्लॉग देखा होगा, उसमें मोजो की शादी देखी होगी कितनी अमेजिंग रही है। और उस बंदे की शादी का मेरे को सबसे ज़्यादा क्रेज़ था एंड इस टाइम पे उसने शादी करी और एक वेकेंड से हमारी प्लानिंग इस हिसाब से हो गई कि वो कोलैप्स हो गए आपस में। सो होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे, हमारे शूट्स अच्छे लगे जो आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। सो आई एम रेडी फॉर माय पैटर्निटी शूट और सीमा भी रेडी है। जस्ट नेल्स लगाने रह रहे हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम लोग व्लॉग्स दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो वी होप कि हमारी फैमिली अब और बड़ी हो जाए। ऐसे तो बड़ी होगी, हम कंटेंट हम अपना कंटेंट बना रहे हैं। हां, आवर कंटेंट इज लोडिंग। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सो लेट्स सी हमारा ये शूट कैसा जाता है। बेंगलोर के हिसाब से यहाँ गर्मी तो बहुत है यार, एंड एक्सेसिव मतलब बाहर जाते ही सर दर्द होना शुरू हो जाता है हमारा। हम इतने क्या कहते हैं एडेप्टिव हो गए हैं बेंगलोर के वेदर को। So, अब हमें समझ आ रहा है कि लोग बैंगलोर वेदर वेदर क्यों करते रहते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा जाए, एकदम बढ़िया बढ़िया। सो जो भी कुछ आपको फोटोज देखनी होंगी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इंस्टाग्राम पे। ये देखो ये रहा सीमा का और इस साइड आ रहा होगा कहीं मेरा, तो जाके फॉलो कर लो, वहाँ सारी अपडेट मिल जाएंगी आपको। फर्स्ट सेटअप पे हमारा शूट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सेकंड सेटअप हमारा आउटडोर जाके होगा। सारा सेटअप ऑलरेडी घर में ही है हमारे, सो हमें कहीं जाने की इतना दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ टाइम का है कंस्ट्रेन है, सभी टाइम हो रहा है कि आउटडोर की शूट कर ले फटाफट। अब इस पे तो आउटडोर नहीं करना, नहीं है इस पे हो चुकी अच्छी होती है। चलें चेंज करने।
अभी तो हमें ये पता है, तो सीमा ने आउटडोर इतनी गर्मी में मेरे को डालने के लिए बोला है सूट, भाई साहब मैं अभी से ही अंदर पसीना पसीने लगा हूं और खुद डाला है उसने ये पिंक सी बारबी बन के घूम रही है और मैं ऑफिशियल बॉडीगार्ड। तो चलो नेक्स्ट आउट नेक्स्ट शूज पे चलते हैं, सेटअप नेक्स्ट सेटअप पे चलते हैं। हील्स पे खड़े हो जाना अगर हम यहीं कर रहे हैं तो, हां कुछ नहीं लग रहा सकते, फायदा उठा रही है। चलो अब चलते हैं आउटडोर इसी गाउन में इसी आउटफिट में शूट करने, उसके बाद हमारा एक और आउटफिट है एंड देन वी विल बी डन फॉर द डे। चलो है बेसिकली बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, टाइम बहुत कंज्यूम कर चुका है, गर्मी बढ़ का भयंकर लग रही है बाहर। तो हमने डिसाइड किया कि जो तीसरा शूट है वो निचले फ्लोर पे करेंगे ड्रेस चेंज करके। अभी सीमा रेडी हो रही है, उसका मैं भी रेडी हो जाऊँगा तीसरे शूट। बहुत बढ़िया, मैंने क्या किया मुझे लगा था कुछ जल्दी, कहाँ ध्यान है भाई मुझे क्या पता खाली और ये तो ऐसे कर रहा हूँ जब मैं लेके आती हूँ माचिस। भाई मैटरनरी शूट में मेरे को असिस्टेंट रखा है क्या खाली? मेरे को तो खड़े ही नहीं कर रहे हैं शूट के लिए। नहीं कुछ सारे तो गाउन बदलते साइड में आओ भैया। हाँ आप देखो ना ओ नीचे लेगा हवा है ना सीधी। वाह बड़ी चीज़ पता लगी। हाँ मैडम
बंगाली मैडम कुछ बोलना चाहोगे बंगाली में? बाउची का बाना साउथ में बोल दो, साउथ में बोल दो रसगुल्ला खा लो। तुम सौ खाना जला देना रसगुल्ला खाओगे गोबर खाओगे आगे अभी तो ये भी तो सोने की तो तो मेरे को खड़ा क्यों किया था भाई? एसी बंद कर दे। हाँ एसी बंद एसी बंद एसी बंद बहुत होता है बिल बहुत मंगे हैं भाई एसी बंद करो रेडी बंद कर दो।